आशी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। आपको पता है जब मैं बिग बॉस में नाराज होता था, आशी रात को उठ के मेरे पराठे सेकती थी और मेरे अंडा बनाती थी और मुझे हमेशा खुश करती थी। तो मेरे वो दोस्ती मैंने आगे भी बढ़ाया है। बिग बॉस के बाद हम लोग दोस्त है और दोस्त रहेंगे। शी इज़ गुड फ्रेंड ऑफ माइन और उसको कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ उसके कैलेंडर लॉन्च पे। मैं इतना कहना चाहता हूँ हर एक दिन और हर एक महीना आपको मसाला मिलेगा क्योंकि आर्शी की मसालेदार फोटो रहेगी उसमें। सो इट विल बी टू मच फन। मतलब आर्शी को सपोर्ट करने है, आर्शी के लिए एक न्यू शुरुआत तो नहीं कर सकते, पर फिर भी कहीं ना कहीं उसके लिए एक कुछ नया है, तो उस बारे में क्या? हाँ, मैं बोलता हूँ सबको, हर एक कदम ये पूरे जो हम लोग है इसमें इंडस्ट्री में, हर एक कदम आगे बढ़ना एक अच्छी बात होती है। सो इट्स स्टेप, वो स्टेप बाय स्टेप कर रही है और आगे बढ़ रही है। सो बेस्ट ऑफ लक टू आर्शी। आर्शी इज अ गुड फ्रेंड। कभी भी कोई अच्छा प्रोजेक्ट हुआ तो ऑब्वियसली वी कैन डू समथिंग। और मेरा एक प्रोजेक्ट आ रहा है नागिन डांस, मेरा वीडियो, तो उसमें ट्राई करूंगा एक स्पेशल लुक आर्शी के लिए डालने के, क्योंकि आर्शी को नागिन बोलते थे बिग बॉस में। तो या आर्शी इज अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइन, आई एम ऑलवेज देयर फॉर हर। ओके, हाँ मेरे दो गाने आ रहे हैं, एक मूवी और बॉडी है और एक नागिन डांस है, बस वो दो प्रोजेक्ट्स के पीछे लगा पड़ा हूँ मैं। आज टूटेगा फूटेगा दुनकी में नाचे हम, कॉलेज की मैडम को करके दिखा दे हम थोड़े से पागल, हम थोड़े दीवाने, म्यूजिक लाउड डीजे बजा दे, यू नो नागिन डांस। Oh, for my आर्शी के लिए ऑब्वियसली, आर्शी इज अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइन, आई विश हर ऑल द सक्सेस। ये नया साल है और ये नए साल से उसको करियर और ऊपर जाए और अच्छा जाए, सो आई विश द बेस्ट फॉर आर्शी खान। वैसे बिग बॉस में इस बार जो विन है, जो इस बार जीती है, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? एकदम ही वैसे टीआरपी एकदम कम थी, पर फिर भी देखो हम लोग सीजन 11 में थे, हमने एक बेंचमार्क स्टेट किया है, वो वापस रिपीट नहीं हो सकता है और लोग कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे। आई लव दीपिका, पर सेम चीज़ शिल्पा जैसे किया, तो मैं इतना कहना चाहता हूँ सीजन 13 के लिए किचन के पीछे जाओ, खाना बनाओ, सबका देखभाल करो और आप शो जीत सकते हो। हम ये कह सकते हैं या दर्शक ये देख सकते हैं कि यानी बिग बॉस 13 में यानी बिग बॉस 11 के कुछ तो ऐसे मिलेंगे देखने को। या ए लुक, वी हैव आरसी एंड सभ्यसाची, गाइस व्हाई डोंट यू कम, आरसी आरसी व्हाई डोंट यू कम, हे लुक सभ्यसाची इज हियर गाइस, वू, द रियल रॉक स्टार्स इन टाउन। जैसे हम लोग बात कर रहे थे सीजन 11 कभी रिपीट नहीं हो सकता, वो बेंचमार्क था, राइट आरशी? वो कभी नहीं हो सकता। तो आरशी आप अपने लॉन्च के बारे में खुद बताइए कुछ। अभी मैंने बताया तो था, वापस बता दो। ओह, दूसरा न्यूज चैनल। सो ये कैलेंडर लॉन्च है और बहुत अलग तरीके से है, बिकॉज इसके अंदर इनके जो ऑर्गेनाइजर हैं मिस्टर मोहम्मद, इन्होंने बहुत अच्छे से इसको अलग क्या अलग रूप दिया है ना, अपने कलर्स ऑफ लाइफ दिया है। तो जनवरी में इन्होंने मुझे सबसे पहले मेरा चेहरा रखा और बाकी फिर दूसरों के साल। आप ऐसे आरशी का चेहरा देख के अगर शुरू करो तो बहुत अच्छा होता है। सो इसीलिए जनवरी आरशी का है। इट्स अ मसालेदार कैलेंडर एंड यू गोना एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ इट। हम तो वैसे मसालेदार हैं बहुत ज्यादा, ये स्पेशली यू एज़ यू नो इट्स। बहुत सारे अभी ऑफर्स हैं, बता नहीं सकते, लेकिन इंशाल्लाह बहुत ज्यादा रहेंगे। बहुत जल्दी धमाका होने वाला है, और धमाका हो रहा है ऑलरेडी, यू नो एवरी स्टेप, जैसे ये कैलेंडर देख रहे हो, एवरी स्टेप काउंट्स एंड दिस इज अ ग्रेट बिग स्टेप फॉर आरशी खान, सो इट्स हैपनिंग। थैंक यू। अभी रिसेंटली आपने टेलीविजन में काम किया था कलर के पॉपुलर शो में, तो इसके बाद आपको टेलीविजन में हम देखेंगे या कोई मूवी का ऐसा? सबसे पहले मैं टेलीविजन ही करूँगी, बिकॉज एक आर्टिस्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रहता है कि आप कैसे कलाकार है, कैसे अदाकारा कैसी हैं आपको। मोस्टली मैंने बहुत से ऐसे आर्टिस्ट देखे हैं जिनको एक्टिंग नहीं आता है और वो बड़ी बड़ी मूवीज़ में कैमरा के सामने खड़े हो जाते हैं। लड़कियाँ ही बहुत सारी हैं जो फिर एक मूवीज के बाद दूसरी मूवी में नहीं आती है, तो सबसे पहले अपने आप को निखारो, उसके बाद एकदम से जाओ सलमान के सामने See, the thing is, practice makes perfect. So yes. Arshi is doing a yes, great practice, yes. And one day she'll be perfect. Yep. She's a very hard-working girl, yes, and. Yes. मैंने इसे परसों ही शायद कहा कि यार कभी गोवा कभी मैसूर कभी बैंगलोर कभी दिल्ली कभी, तो एक चार्टर फ्लाइट ही खरीद ले। सो आई वाज टेलिंग हर दैट बिकॉज ये लड़की थकती नहीं है, और बिग बॉस के बाद ना एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहाँ पे आपको प्रूव करना होता है। आपने पिछले सीजन देखे होंगे, शायद ही कोई दिख रहा होगा,
बट एक सीजन जा चुका है हमारे सीजन के बाद, हम सब दिख रहे हैं अपने अपने जगह अपने अपने कामों से दिख रहे हैं, सब अपने अपने जगह जोनर। बिग बॉस इज अ वेरी वेरी बिग थिंग एंड बिग बॉस इज ग्रेट फॉर लॉट ऑफ पीपल। मैं सबको बोलता हूं प्लीज बिग बॉस ट्राई करो, एक आम आदमी से आप खास बन सकते हो। बिग बॉस रॉक्स, इट डज। तो ऐशी खान आप तो पहले से बहुत पॉपुलर है, आप एक मॉडल थी, पर बिग बॉस में जाने के बाद क्या आप में चेंजेस आए, क्या कुछ एक नया आपको? तब मैं बड़ी आम इंसान थी जब मैं बिग बॉस में गई थी, अब आम रस है, इसमें रस भर गया है, आम रस हो गई है इसमें। बट इसमें खास क्या हुआ इसके लाइफ में चेंजेस, मैं बता दूं आपको, इससे हमेशा के लिए एक आकाश और एक सभ्यसाची मिल गया। yes, yes. और एक चीज बिल्कुल नहीं बदली, इसको क्रिकेटर्स अभी भी बहुत पसंद है। अभी हम डिस्कस ही कर रहे थे क्रिकेटर्स के बारे में। आशी मैम, वी आर फ्रॉम मनाली, हिमाचल प्रदेश। यू बॉम्बे गाइस आर अमेजिंग। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वी लव एचपी।